नमस्कार, सीएमएन न्यूज की खास पेशकश ड्रामा जान और साथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। यूपी के शामली एसपी ऑफिस में एक मां बेटी ने जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया है। एसपी ऑफिस पर तैनात पुलिसकर्मी ने दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। एसपी अजय कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। अब कुछ लोग पुलिस के फेवर में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को गुमराह किया गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों ग्रामीण पुलिस की साइड ले रहे हैं, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। छेड़छाड़ से तंग माँ बेटी ने एसपी ऑफिस में निगला सल्फास। मामले में एक पुलिस अधिकारी निलंबित। अब मामले में आया नया मोड़। पुलिस के फेवर में आए ग्रामीण, कहा मामले में अधिकारियों को किया गुमराह। दबंगों के उत्पीड़न और छेड़छाड़ का पुलिस द्वारा संज्ञान न लिए जाने से क्षुब्ध मां बेटी ने एसपी कार्यालय परिसर में सल्फास निकल लिया। दोनों को गंभीर हालत में मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। एसपी ने चौसाला चौकी इंचार्ज बीनू सिंह को निलंबित कर दिया। वहीं अब इस मामले में महिला का पूरा गांव पुलिस की साइड ले रहा है, जिससे महिला कहीं ना कहीं मामले में अकेली पड़ती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि महिला साजिशन इस पूरे मामले को अंजाम दे रही है और अधिकारियों को गुमराह कर रही है। आज सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा होकर एसपी ऑफिस जा पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला झूठ बोल रही है कि ग्रामीणों द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है, क्योंकि सहारनपुर का कोई प्रेमी उसे लेकर अपने साथ रखना चाहता है। वह उसी के पास जाना चाहती है, जिस पर उसका पति इस बात के लिए राजी नहीं है। इसके चलते वह पूरा ड्रामा रच रही है। इस महिला ने ग्रामीणों का जीना दुश्वर कर रखा है। आए दिन बाहर खड़े होकर गंदी गंदी गालियां बकती है, आते जाते लोगों को तंज कसती है, जिससे पूरे गांव वाले इससे परेशान हैं। इस प्रेम प्रकरण में ग्रामीणों ने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये महिला निर्दोष लोगों को फंसाना चाहती है। शराब के तत्वों से बहका के और एक ऐसा घिनौना काम करवाया जो नहीं करना चाहिए, और समाज में ये चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती। सामाजिक लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए और सच्ची बात पे ही रखना चाहिए। मुकदमा वगैरह भी अगर आप उत्पीड़न हो रहा तो आप करवाओ, उसमें झूठे मुकदमे नहीं दिखवाने चाहिए। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि पूर्ण रूप से जाँच होगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बहरहाल इस पूरे मामले में जहां चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया, वहीं अब महिला का पूरा गांव पुलिस के फेवर में आकर खड़ा हो गया है और अधिकारियों को गुमराह करने की बात कहते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से महिला का पूरा गांव पुलिस की साइड ले रहा है, उससे एक बार फिर पुलिस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल एसपी ने प्रकरण में उचित कार्यवाही का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया है, लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में कौन सच्चा और कौन झूठा है। दो महीना पहले एक हमारे गांव में 824 चक नंबर की नीलामी हुई थी, उसके कब्जे का वो था। उस दौरान इसने प्रशासन के खिलाफ वीडियो चलाई थी मोबाइल उस पे, फेसबुक पे, और उस केस में जेल में गया था। इस उस चक्कर में दरोगा को फंसाने के चक्कर में महिला गैल इसके उठ बैठ का संबंध है। इस महिला को लेगा यू कल एसपी दफ्तर पहुंचा, वहाँ इसने महिला को बोला के लगा आज इंचार्ज का भी राह बैठा दूंगा इसमें, गांव वालों का भी रास्ता बैठा दूंगा। कौन है ये लड़का? ये विकास कोरी है। अच्छा, क्या करता है ये? अपने को पत्रकार बतावे, वैसे नशेले पदार्थ बेचे कहीं सोलह। आपने एसपी को क्या शिकायत दी इसके खिलाफ? हमने एसपी साहब को ये कहा कि इंचार्ज साहब जो है हमारे क्षेत्र में उतन तो ये गए, इंचार्ज साहब हमारे क्षेत्र में आए और उदनते क्षेत्र में सुरख उगा रखा। ये इससे पहले कि या तो कभी ट्रैक्टर खुसे कर थे या कहीं चोरी हुई कर थी या लोग नशे में होकर सड़क पर पड़े कर थे। खुलेआम कोई कच्ची दारू बेचता था, कोई सुलभा बेचता था, कोई स्मेक बेचता था। तो इसमें और भी पत्रकार लगते हैं आपको शामिल हो? और पत्रकार तो हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं लगता जो इतना गलत काम करता हो। तो क्या होना चाहिए इसके खिलाफ? इसके में पत्रकार जो हो सके, इसका साथी कांधले का था, वो पहले भी वही था और अब भी वही पापगा। अच्छा, हाँ। आपका नाम क्या है? समरपाल सिंह तोमर, भारतीय किसान यूनियन, जिला महासचिव।